फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है दो टन आउटडोर की कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग को ऐसे करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम समीर जुनैद, मेरे चैनल इज टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और ये दो टन का आउटडोर है हमारे पास, जिसे आप देख सकते हैं। इसकी मैंने पहले से ही पूरी वायरिंग निकाल दी है, जिससे कि आपको आसानी से समझा सकूं मैं। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, कंप्रेसर कैपेसिटर, ये फ़ैन कैपेसिटर, और ये आउटडोर का कनेक्टर है और ये कंप्रेसर है। तो फ्रेंड्स ये फ़ैन मोटर है और फैन मोटर के ये चार वायर हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकदम सीरियली आसान तरीके से जीरो से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर का रनिंग स्टार्टिंग कॉमन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का तार निकाल दिया है। जिस भी भाइयों को रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकालना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जिससे रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर भी डायरेक्ट चेक करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाकर दोनों वीडियो चेक कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास वायर है, इस वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। हम लोग ब्लैक वायर को बनाते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हमने ये कॉमन पे लगा दिया। और रेड वायर को हम लोग रनिंग बनाते हैं, ये हमने रनिंग पे लगा दिया। और येलो वायर को हम लोग स्टार्टिंग लगा बनाते हैं, ये हमने स्टार्टिंग लगा दिया। अब हमारे पास तीन वायर हो गई है, ये जो हमारे पास मिल गई है ये तीन वायर है। रेड वायर हमारी रनिंग है, येलो वायर हमारी स्टार्टिंग है और ब्लैक वायर हमारी कॉमन है। ये फ़ैन की हमारे पास चार वायर है, जो ये दो वायर है ये कैपेसिटर की है और ये लाइन न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को, ये हमारा कंप्रेसर का कनेक्शन हो चुका है नीचे से, अब हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को लाइन न्यूट्रल देते हैं और सीपी देते हैं, जो ये तीन चीज़ें से स्टार्ट होता है। तो हमें लाइन न्यूट्रल सीपी देना है यहाँ से, जिसका कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं, एक नंबर न्यूट्रल है, दो नंबर लाइन है, तीन नंबर सीपी है और चार नंबर अर्थ है। तो एक नंबर न्यूट्रल को हम लोग शुरू करते हैं लाइन देना, न्यूट्रल देना। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ब्लैक वायर है, जिसको हम न्यूट्रल पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ब्लैक कलर का तार है, जिसे हम अपना न्यूट्रल बना रहे हैं, एक नंबर वायर को, जैसे कि हमने एक नंबर कनेक्टर को न्यूट्रल बनाया, तो यहाँ पे लिखा भी एक नंबर न्यूट्रल। तो हम लोग इसे टाइट करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। दो नंबर को हम लोग लाइन बनाते हैं रेड कलर के वायर से। ये हमने कनेक्टर पर लाइन कनेक्ट कर लिया। तीन नंबर ब्लू तार को हम लोग सीपी बनाते हैं, तीन नंबर में जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कनेक्टर का कनेक्शन पूरा हो चुका है, अब हमें कॉन्ट्रैक्टर पे करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले हमें लाइन देना है, तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइन हमें यहाँ पे देना है। अगर इसमें जैक लगा होता तो हम यहाँ पे अटैच करते हैं, जैक नहीं है तो हम यहाँ पे इसे टाइट कर लेंगे खोल के। तो ध्यान से देखिएगा लाइन कहाँ पे लगा रहे हैं, न्यूट्रल कहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये लाइन हमने यहाँ पे लगा दिया, कॉन्ट्रैक्टर को अभी लाइन मिला है, हमें न्यूट्रल भी देना है और सीपी भी कनेक्ट करना है। तो हमने ये ब्लैक तार को न्यूट्रल बनाया था, अब न्यूट्रल हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस पोर्शन पे भी हम न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सीपी बना देते हैं, इस तरफ ये सीपी वाला वायर है, यहाँ लगा देते हैं इस तरफ, और न्यूट्रल का वायर हम लोग इस तरफ लगा देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, इस तरफ लगा दिए। तो ये पोर्शन हमारा न्यूट्रल का बन गया, ये हमारा सीपी का बन गया और ये हमारा लाइन बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्टर को लाइन बाईपास करेगा, कैसे करेगा, ये लाइन न्यूट्रल यहाँ पे है, ये लाइन है, जब यहाँ पे ये लाइन आएगी तो ये नीचे से अंदर कॉयल मैग्नेटिक बनाती है, जिसकी वजह से ये लाइन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन पूरा हो चुका है, अब हम लोग फ़ैन का कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास फ़ैन का चार तार है,
ये दो वायर जिसमें जैक लगे हुए हैं, जैक लगे हुए हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर में चले जाएंगे। एक हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा भी कैपेसिटर में लगा दिया। दूसरा भी हमने कैपेसिटर में लगा दिया। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो तार जो फैन के बचे हैं, जिसे लाइन और न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हम लोग यहाँ से देते हैं कॉन्ट्रेक्टर से, हमने न्यूट्रल दे दिया। और लाइन सिंपल हम यहाँ से जब क्रॉस होगी तो यहाँ पे देना है। हमने इस वायर को ढीला किया और इसमें टाइट करेंगे, ठीक। तो ये हमारे फ़ैन का कनेक्शन भी पूरा हो गया। एक तार न्यूट्रल में हमने कॉन्ट्रेक्टर से ही दे दिया, कॉन्ट्रेक्टर से ही हमने लाइन दे दिया, दो वायर हमने कैपेसिटर का लगा दिया। अब हमारे पास फ़ैन कंप्रेसर का कनेक्टर बचा है, जो कि हमने नीचे आपको बता चुका हूँ कैसे लगा है। रेड वाला हमारा रनिंग है, येलो वाला स्टार्टिंग है, और ब्लैक वाला हमारा कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर का रनिंग स्टार्टिंग जो वायर है इसको कैपेसिटर में दे देंगे। कैपेसिटर का देख रहे हैं आप लोग, दोनों दो दो खूंटे, कोई भी रनिंग बना ले, कोई भी स्टार्टिंग बना ले। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे स्टार्टिंग बनाते हैं और इसे रनिंग बनाते हैं, ठीक है। अभी कैपेसिटर को हमने कंप्रेसर को ना ही लाइन दिया और ना ही न्यूट्रल दिया, हमने कैपेसिटर से अटैच किया है। अब हमें रनिंग से ही कॉन्ट्रेक्टर को लाइन देना है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा वायर है, जिसे हमने वायर निकाल के बना के रखा है। तो यहाँ से हमने रनिंग पे एक वायर लगाया, ये हमने लगा दिया। और लगाने के बाद इस कैपेसिटर को अपनी जगह पे लगाते हैं और इस रनिंग वाले वायर को हम लोग लाइन देंगे। यहाँ से जहाँ से हमने फ़ैन का दिया, वहीं से हम लाइन देंगे, कॉन्ट्रेक्टर पे लगाएंगे। ये हम लोगों ने ध्यान से खोला, अच्छी तरह से लगाना है। ये दोनों वायर को हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया। तो फ़ैन को अभी तक कंप्रेसर को लाइन मिल चुका है, न्यूट्रल बचा है। तो न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट कनेक्टर से देंगे। तो कैसे देते हैं देखिएगा, यहाँ से वायर निकाल लिए और डायरेक्ट ये कनेक्टर है, एक नंबर को हमने न्यूट्रल बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग कंप्रेसर को न्यूट्रल दे रहे हैं। यहाँ से एक नंबर ढीला किया, ढीला कर लिया है और आसानी से दोनों वायर लगाना है हमें। आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये एक नंबर पे लगा दिया हमने और इसे टाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आउटडोर की दो टन कॉन्ट्रेक्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमारा न्यूट्रल आएगा, लाइन आएगा और सीपी आएगा और हमारा कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो जाएगी हमारी वायरिंग। कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा और फ़ैन भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स इसे ही सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी गुड डे।